है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा। हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा स्टेटस आपने प्रीव्यू में देखा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, तो इस तरीके के स्टेटस को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के एंड्रॉयड डिवाइस से। बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल 4 से 5 मिनट की वीडियो को देखने के बाद अपने स्टेटस को क्रिएट करना सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल है इस तरीके के स्टेटस को क्रिएट करना। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी मटेरियल का मैं यूज़ करने वाला हूं इस तरीके के स्टेटस को बनाने में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे डाउनलोड कर लेना है या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्टेटस को बनाने में आपको कैनवास्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से आपको किड न्यू पर क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। हमेशा की तरह इतना तो आप जानते हैं, आपने करके रख लिया होगा। उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ से हमें आप सबसे पहले क्लिक करना है सेटिंग पे और यहाँ से आपको आना होगा एडिटिंग पे और यहाँ से आपको फिल स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइज यहाँ से आपको सबसे पहले अपने फोटोज को सिलेक्ट करना होगा जिससे आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपने खुद का या फिर जिसके लिए भी स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ से मैं कुछ फोटो को सिलेक्ट करने वाला हूँ, एक ही, या फिर आप चाहें तो एक दो फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे अलग अलग फोटो का इफेक्ट भी आ जाएगा। लेकिन गाइज मैं एक ही फोटो से स्टेटस को क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक फोटो को सिलेक्ट करने वाला हूँ, आता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं आ जाता हूँ पिंस वाले फोल्डर में और यहाँ से मैं एक फ़ोटो को डाउनलोड सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैं स्टेटस का क्रिएट करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए गाइज मैंने यहाँ से ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस फोटो की लेंथ को आपको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद सिंपली क्या करना है, इस फोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बिगनेट का, आपको इसे इनेबल कर देना है जिससे ये बिगनेट वाला इफेक्ट हो आ जाएगा। उसके बाद जितनी लेंथ का आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहें आपको उसकी लेंथ कर देनी है। शुरू में आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक बिगनेट वाली PNG को ऐड करना होगा जिससे नीचे की तरफ बिगनेट आ जाएगा। ठीक गाइज, जिससे आपका फोटो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा ये वाला। तो ये सभी फोटो में मैं लगाता हूँ ज़्यादातर स्टेटस में, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन ना मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेक कर लीजिए, जो भी मटेरियल ना मिला करे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना और टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी मटेरियल देता हूँ, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेक कर लीजिए जब आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिला करे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और गाइज यहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा। इस वीडियो से काफ़ी अच्छे पार्टिकल्स वाला इफेक्ट आ जाएगा और वीडियो काफ़ी गजब की है, तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो आ चुकी है, कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसे फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, नीचे आना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, आपको उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन जब आप करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा जो देखने में बहुत ही गजब का लगता है। अब जितनी बड़ी वीडियो उतना बड़ा आप स्टेटस रखना चाहते हैं तो उतना रख सकते हैं, फिर अपनी वीडियो को डुप्लीकेट करके आप लगा सकते हैं जिससे आपका काफ़ी स्टेटस बड़ा बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और गाइज यहाँ से आपको एक PNG को ऐड करना होगा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जिसमें लिरिक्स यानी कि टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो ये वाली मैं ऐड कर लेता हूँ। उसको आपको थोड़ा बड़ा करना होगा, अपने हिसाब से ला के लगा देना होगा इस तरीके से, मेरी तरह आपको लगा देना है और स्क्रॉल करके आपको इसे पूरी वीडियो में कर देना है जैसे मैंने यहाँ से कर दिया। उसके बाद आपको इसे शुरू में आ जाना है, शुरू में आने के बाद लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक कलर इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड करना होगा जिससे काफ़ी अच्छे कलर इफेक्ट आ जाएंगे आपकी वीडियो में ये वाली, तो इसको भी आपको कैंची के बराबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना होगा। तो गाइस है ना बहुत ही सिंपल, बस आपका स्टेटस क्रिएट हो गया, आपको ज़्यादा कुछ थोड़ा करना है। अब जितनी बड़ी वीडियो आप रख सकते हैं अपना स्टेटस उतना बड़ा, या फिर आप इसे ट्रिम कर सकते हो, तो मैं यहाँ से इसे ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम नहीं होता तो सिंपली आपको सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से छोटा कर देना है, छोटा आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस अब आपको लगाना होगा अपनी वीडियो में म्यूज़िक, तो म्यूज़िक को लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ से क्या करना होगा, ऑडियो पे क्लिक करना होगा। अपनी गैलरी से आप किसी भी म्यूज़िक को लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अब गाइस आप तो कह रहे होंगे म्यूज़िक तो हमें दीजिए क्योंकि म्यूज़िक हमने जो प्रीव्यू में देखा हमें तो वही लगाना है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आपने जो प्रीव्यू में म्यूज़िक देखा था अगर आप वही लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो में, तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है। जो अभी हमने लास्ट में जो फ्लैग जो इफेक्ट आ रहा है, फ्लैग वाला कलर इफेक्ट, इसमें आपको ऑलरेडी वो वाला म्यूजिक दिया हुआ है, आपको अलग से म्यूजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपके लिए हमने ये भी काम छोड़ दिया। अब गाइस अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं, वरना उसकी भी कोई जरूरत है नहीं, आपका स्टेटस क्रिएट हो चुका है। तो चलिए गाइस मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ, जो भी मटेरियल का यूज़ किया है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना प्लीज़। गाइस इतना आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो गाइस चलिए चला कर दिखाता हूँ आपको स्टेटस कैसा बना है हमारा, तैयार हुआ फाइनल आउटपुट। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी।